सीरीज की शुरुआत जागते हुए दुनिया से होती है, जिसे इंसान असली दुनिया समझते हैं। इंसानों को दरअसल सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ये सपना असली है या नहीं। लेकिन एक दूसरी दुनिया भी है जो इंतजार कर रही है कि ये लोग अपनी आंखें बंद करें और सपनों की दुनिया में खो जाए। और इस सपनों की दुनिया का राजा है सैंडमैन। सैंडमैन दरअसल एक अनंत जीव है और उसके परिवार में वो सभी 7 भाई बहन है। ये सभी अनंत जीव देयर डिजायर डिस्पेयर डिस्ट्रक्शन डेस्टिनी और डिलीरियम। आप सपनों की दुनिया में हम सैंडमैन को देखते हैं, जो नाइटमेयर कोरिंथियन को खत्म करने का फैसला करता है। दरअसल सैंडमैन ने कोरिंथियन को बनाया था ताकि वो बुरे लोगों को डरावने सपने दिखाकर उन्हें सही रास्ते पर ला सके। लेकिन अब कोरिंथियन सैंडमैन के नियम तोड़कर जागते हुए दुनिया में लोगों को मार रहा था, क्योंकि उसे लोगों को मारने में अब मजा आने लगा था। लेकिन जाने से पहले सैंडमैन की लाइब्रेरियन लूसीन सैंडमैन को चेतावनी देती है कि अगर वो जागती हुई दुनिया में जाएगा तो वहाँ उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जागती हुई दुनिया में हम साल 1916 में डॉक्टर जॉन को देखते हैं, जो रॉड्रिक से मिलने आया होता है। रॉड्रिक का बेटा एलेक्स डॉक्टर जॉन को अपने पिता रॉड्रिक के पास लेकर आता है, जहां डॉक्टर जॉन के बेटे एडमंड की पिछले हफ्ते एक जहाज दुर्घटना में मौत हो गई थी, और वहीं बर्गस के बड़े बेटे रैंडल की मौत भी कुछ समय पहले ही हुई थी। डॉक्टर जॉन यहाँ पर रॉड्रिक को ग्रैमिनी नाम की एक जादुई किताब देता है, जिसके बाद रॉड्रिक डॉक्टर जॉन से कहता है कि इस किताब में लिखे मंत्रों की मदद से मैं मौत को अपने काबू में कर लूंगा, जिससे हम अपने बच्चों को फिर से जिंदा कर सकेंगे। इसलिए अब रात होते ही रॉड्रिक अपने लोगों के साथ किसी तरह का जादुई रिचुअल करने लगता है, और फिर ग्रामीणी में से कुछ मंत्र पढ़ते हुए मेटल का एक सिक्का और अपने शरीर का खून सामने बने एक मैजिकल सर्कल में डालता है। आखिर में रॉड्रिक मैजिकल सर्कल में एंजल का पंख डालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो पंख अपनी आप ही हवा में तैरने लगती है और फिर उसमें आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैंडमैन बर्लिन शहर में कोरिंथियन को ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही ड्रीम कोरिंथियन को जान से मारने वाला होता है कि अचानक में ही वो कमजोर पड़ने लगता है और अब ना चाहते हुए भी उस रिचुअल की वजह से उस मैजिकल सर्कल में पहुंच जाता है और अब बेहोशी की हालत में उस सर्कल में जा गिरता है, जिसका फायदा उठाकर रॉड्रिक सैंडमैन का जादुई रूबी हेलमेट और उसकी रेर की पोटली उससे चुरा लेता है। अब जब रॉड्रिक सैंडमैन से ये सारी चीज चुरा रहा होता है कि तभी सैंडमैन के कपड़ों में से उसका दूध जैसे उसके कपड़ों से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद रॉड्रिक और उसके साथी सैंडमैन को वहीं अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब इसके अगले दिन से ही पूरी दुनिया में कई सारे लोगों को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है, जिसमें कुछ बीमार इंसान हमेशा के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं, जबकि कुछ बीमार इंसान चाहकर भी सो नहीं पा रहे होते, जिस बीमारी को डॉक्टर स्लीपिंग सिकनेस नाम देते हैं। वहीं यूनिटी नाम की एक लड़की भी इस बीमारी की शिकार होकर गहरी नींद में चली जाती है, जो दरअसल इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स में से एक है, जिसके गहरी नींद में चले जाने से आगे चलकर सपनों की दुनिया में एक गहरा असर पड़ने वाला है। उसी दिन कोरिंथियन भी रॉड्रिक से मिलता है और उसे आगाह करता है कि तुमने जिसे कैद किया है वो सपनों का राजा सैंडमैन है, जो एक अनंत जीव है। और वो अकेला अनंत जीव नहीं है, बल्कि उसके परिवार में उसके और भी 6 अनंत जीव है, जो सैंडमैन के भाई बहन है। वहीं सैंडमैन की चीजों का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो और अपनी उम्र को भी कम कर सकते हो। आखिर में वो ये भी चेतावनी देता है कि सैंडमैन को कैद करने के लिए तुम्हें मैजिकल सर्कल के चारों तरफ कांच का एक पिंजरा बनाना होगा और हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि अगर गलती से भी कोई इंसान अगर सैंडमैन के सामने सो गया तो फिर सैंडमैन उसके सपनों में जाकर कैद से आजाद हो जाएगा। जीसीबी जैसम उन दोनों पर नजर रखा था, जिसे कोरिंथियन देख लेता है और पत्थर मारकर उसे वहां से भगा देता है। और अब जाने से पहले कोरिंथियन रॉड्रिक को नींद न आने की गोलियां देता है, ताकि इन्हें लेकर सैंडमैन पर नजर रखने वाले गार्ड्स बिना सोए अपना काम कर सके। अब कोरिंथियन के जाने के बाद रॉड्रिक सैंडमैन से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि मौत को कैद करना चाहता था, जिससे कि मैं अपने बेटे रैंडल को फिर से जिंदा कर सकूं। इसलिए अगर तुम मेरे बेटे को फिर से जिंदा करने में मेरी मदद करो या फिर मुझे कोई जादुई शक्तियां दे दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन सैंडमैन रॉड्रिक की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे रॉड्रिक को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो सैंडमैन को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब रॉड्रिक सैंडमैन से चुराई हुई चीजों का इस्तेमाल करके काफी अमीर इंसान बन जाता है। और इतने सालों में भी रॉड्रिक कई बार सैंडमैन से मिलने आया और उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सैंडमैन ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और अब एक दिन एलेक्स सैंडमैन की निगरानी कर रहे गार्ड्स को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहकर वहां से बाहर भेज देता है और फिर सैंडमैन से कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कर देता। पर तभी रॉड्रिक भी वहां जाता है, जो एलेक्स की बात सुन लेता है, इसलिए वो गुस्से में एलेक्स को मारते हुए कमरे में ले जाता है। जिसी बीच रॉड्रिक वहां जैसम को देखता है, जो अभी सैंडमैन को आजाद करने का मौका ढूंढ रहा था, पर जैसम को वहां देखकर
रॉडरिक गुस्से में एलेक्स को एक गन देकर जैसम को मारने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जैसम पास ही के एक कमरे में आग लगा देता है, जिससे सैंडमैन के गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और अब वो आग बुझाने में लग जाते है, जिसका ही फायदा उठाकर जैसम सैंडमैन के पास पहुँचता है और अपनी चोंच से कांच का पिंजरा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी बीच एलेक्स वहाँ आ जाता है और सैंडमैन के सामने ही जैसम को शूट करके मार देता है, जो देख कर सैंडमैन काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब अगले सीन में हम रॉडरिक की गर्लफ्रेंड इथेल को देखते हैं, जो गुस्से में अपने कमरे की चीजों को तोड़ रही होती है। और अब जब एलेक्स इथेल से उसके गुस्से का कारण पूछता है तो इथेल उसे बताता है कि वो रॉडरिक के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन रॉडरिक चाहता है कि इथेल इस बच्चे को गिरा दे। फिर उसी रात इथेल रॉडरिक की तिजोरी से सैंडमैन की रूबी, रीड का बैग और उसका हेलमेट और कुछ पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब अगली सुबह जब रॉडरिक को इस बात का पता चलता है तो वो सैंडमैन के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है और लालच देता है कि अगर तुम मुझे अमर बना दो और ढेर सारे पैसे दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। लेकिन इस बार भी जब सैंडमैन रॉडरिक की बात का कोई जवाब नहीं देता तो बर्गस गुस्से में कांच का पिंजरा तोड़ने लगता है। अब जब एलेक्स रॉडरिक को ऐसा करने से रोकता है तो उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी बात एलेक्स गुस्से में रॉडरिक को धक्का दे देता है, जिससे रॉडरिक का सिर पिंजरे से टकरा जाता है और अब इससे रॉडरिक की मौत हो जाती है। जिसकी बात एलेक्स सैंडमैन को आजाद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रॉडरिक के लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब इस घटना के 9 महीने बाद इथेल एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वो डॉक्टर जॉन रखती है। इसके बाद अब कई साल बीत जाते हैं और एलेक्स भी अब बूढ़ा हो चुका होता है और अब एक दिन जब वो सैंडमैन से मिलकर वापस जा रहा होता है तो उसकी व्हीलचेयर से मैजिकल सर्कल का कुछ हिस्सा मिट जाता है। उसी रात फिर सैंडमैन की निगरानी कर रहे गार्ड को नींद आ जाती है, जिसका फायदा उठाकर सैंडमैन उस गार्ड के सपने में चला जाता है। अब सैंडमैन को वहां देखकर गार्ड घबराकर सपने में उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इससे असली दुनिया में सैंडमैन के कांच का पिंजरा टूट जाता है, जिससे वो आजाद हो जाता है और अब वहां मौजूद गार्ड्स को बेहोश कर देता है। फिर वो एलेक्स के पास जाता है और उसे हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देता है, जिसके बाद वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है, जहां उसकी मुलाकात लूसीन से होती है, जो सैंडमैन को बताती है कि क्योंकि सैंडमैन कई सालों से अपनी दुनिया से दूर था तो उसकी दुनिया उसके बिना धीरे धीरे बर्बाद होने लगी और उसके महल में काम करने वाले लोग भी ये दुनिया छोड़कर यहाँ से चले गए। इसलिए अब जब सैंडमैन अपनी दुनिया को देखता है तो वह पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है, जो देखकर सैंडमैन दुखी हो जाता है। लेकिन अगले पल वो कहता है कि मैं इस दुनिया को फिर से पहले जैसे बना दूंगा, जिसके साथ ही फिर मेल के सभी लोग वापस लौट आएंगे, जिसके साथ ये एपिसोड 1 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में सैंडमैन अपने मेल को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने हेलमेट, रूबी और रियर के बैग के बिना वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए अब सैंडमैन लूसीन से कहता है कि मुझे अपनी चीजों को वापस पाने के लिए फेट्स नाम की त्रिवेदियों से मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन लूसीन सैंडमैन को याद दिलाती है कि आपको अपने भाई बहनों से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि त्रिवेदियों की मदद लेने के लिए तुम्हें उन्हें कोई तोहफा देना होगा और इस वक्त आपके पास अपनी जादू शक्ति नहीं है जिसकी मदद से आप उन्हें तोहफा दे सको। जिस पर सैंडमैन कहता है कि मैं अपने भाई बहनों से मदद नहीं ले सकता, क्योंकि उन्हें कई सालों से पता था कि बर्गस ने मुझे कैद कर रखा है, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। अब इसके बाद सैंडमैन दो भाइयों यानी कि केन और एबेल से जाकर मिलता है, जिन दोनों भाइयों को सैंडमैन ने कुछ समय पहले ग्रेगोरी नाम का एक डायनासोर दिया था, जिनमें सैंडमैन की तरह शक्तियां थी। इसलिए सैंडमैन उन दोनों से ग्रेगोरी को वापस मांगता है, लेकिन वो दोनों ग्रेगोरी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो ग्रेगोरी को देने से मना कर देते हैं। लेकिन जब सैंडमैन ग्रेगोरी से मदद मांगता है तो ग्रेगोरी इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए सैंडमैन ग्रेगोरी का धन्यवाद करता है और उसे अपने अंदर समा लेता है, जिससे सैंडमैन को अपनी जादुई शक्ति वापस मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोरिंथियन इथेल से मिलने आता है और वो उसे बताता है कि सैंडमैन आजाद हो गया है और अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने उसकी चीजें चुराई है। कोरिएंटन अब इथेल से सैंडमैन की चीजों के बारे में पूछता है, जिस पर इथेल कहती है कि उसने रीड का बैग और हेलमेट बेच दिया और रूबी को उसके बेटे डॉक्टर जॉन को दे दिया, जिसके बाद रूबी की वजह से डॉक्टर जॉन काफी अमीर बन गया। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई, पर कोरिएंटन को इथेल की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो इथेल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इथेल के पास एक रक्षा मणि थी, जिसके कारण कोरिएंटन उस पर हमला नहीं कर पाता और अब वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब
असाइनमेंट सपनों की दुनिया में जाकर लोगों के सपनों से त्री देवियों के लिए कुछ तोहफे चुराता है और फिर वो त्रिवेदियों को बुलाकर उन्हें वो तोहफे देता है। त्रिवेदियों को भी सैंडमैन के तोहफे बहुत पसंद आते हैं, जो अब सैंडमैन से कोई भी तीन चीजों के बारे में पूछने को कहते हैं, जिस पर सैंडमैन अपनी तीनों चीजों के बारे में पूछता है। जिस पर त्रिवेदिया उसे बताती है कि तुम्हारा रेत का बैग लंदन में जुआना नाम की लड़की को भेज दिया गया है, वहीं तुम्हारा हेलमेट रक्षा मनी के बदले नर्क के एक डीमर को भेज दिया गया है, और तुम्हारी रूबी एक माँ ने अपने बेटे को दे दी है, जो जानने के बाद सैंडमैन कीन और एबेल से मिलने जाता है और सपनों की दुनिया से चुराए हुए एक डायनोसर का अंडा उनके घर के सामने रखकर आ जाता है। और अब जब दोनों भाइयों को सैंडमैन का ये तोहफा मिलता है तो वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, जो उन अंडे से निकले इस डायनोसर का नाम गोल्डी रखते हैं। अब अगले सीन में हम इथेल को देखते हैं, जो एक हाई सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में अपने बेटे जॉन से मिलने जाती है, जहां उसने कई सालों से डॉक्टर जॉन को छुपा कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ जब सैंडमैन रेत का बैग लेने के लिए लंदन जा रहा होता है तो लूसीन उसे अपने साथ अपना एक दूत ले जाने को कहती है, लेकिन सैंडमैन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि पिछली बार उसकी वजह से जैसम की मौत हो गई थी, जिसके बाद फिर सैंडमैन ऐसे ही लंदन चला जाता है। अब सैंडमैन के जाने के बाद इथेल की रक्षा मनी की वजह से कोरिंथिन सीधे सैंडमैन की दुनिया में आकर गिरता है, और जब लूसीन कोरिंथिन को वहां देखती है तो वो उसे कहती है कि तुमने अपने मालिक सैंडमैन के साथ जो किया उसकी सजा तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी, जिसके साथ ही एपिसोड 2 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं, जो शैतान की किताब पढ़कर उसे इस धरती पर बुलाना चाहता था। दरअसल ये आदमी इस किताब का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानता था, इसलिए वो रिचुअल के बीच में ही बेहोश हो जाता है। वहीं इस आदमी ने इस रिचुअल को करने के लिए जोआना को बुलाया था। जोआना जब अब वहां पहुंचती है तो उसे उस कमरे में एक शैतानी शक्ति दिखाई देती है, जो जोआना को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने आप पर काबू करते हुए जोआना उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है। अब इसी के साथ जोआना अपनी आंखें खोलती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। वो अब इसके लिए एक चर्च के प्रीस्ट से मिलने जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी ग्रैंड मदर हेटी से होती है, जिनकी उम्र 280 साल थी। हेटी जोआना को चेतावनी देते हुए बताती है कि तुम्हारे पास जो सैंडमैन का रेत का बैग है उसे लेने जल्दी ही सैंडमैन तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जोआना हेटी की चेतावनी को इग्नोर करते हुए चर्च में जाने लगती है, और तभी वहां सैंडमैन आ जाता है जो जोआना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोआना को लगता है कि वो एक आम इंसान है, इसलिए वो सैंडमैन को थोड़ी देर उसका इंतजार करने को कहकर चर्च के अंदर चली जाती है। अब अंदर जाने पर चर्च की प्रिंस जोआना को बताती है कि चर्च में रॉयल फैमिली की एक प्रिंसेस आई है, जो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है, क्योंकि प्रिंसेस पर किसी शैतान का साया है, इसलिए प्रिंसेस चाहती है कि उसकी शादी बिना किसी मुसीबत के उसके बॉयफ्रेंड से हो जाए, और इसके बदले में वो जोआना को उसकी फीस का 3 गुना पैसे देने को भी तैयार है। जोआना प्रिंसेस की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शादी के बीच में ही प्रिंसेस का बॉयफ्रेंड अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है, जिसके बाद देखते ही देखते एक डीमन उसके मुंह को चीर कर बाहर आ जाता है, जिससे प्रिंसेस के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है, जो सब देखकर जोआना उस डीमन से उसका नाम पूछती है। अब इतने में सैंडमैन चर्च के अंदर आ जाता है और जोआना को उस डीमन का नाम बताता है, जिसके बाद अब जोआना को समझ आ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि सच में सैंडमैन है, जो यहाँ उसे अपना रेत का बैग लेने आया है। अब इसके बाद जोआना डीमन को काबू करने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। अब सैंडमैन जोआना से उसकी रेत की पोटली के बारे में पूछता है, लेकिन जोआना बताती है कि उस पोटली को खरीदने के बाद मैंने उसे एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है, और अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसे कहां रखा है। इसी बातचीत के दौरान सैंडमैन वहां मैथ्यू नाम के एक बर्ड को देखता है, जिसे लूसी ने वहां सैंडमैन की मदद करने के लिए भेजा था। सैंडमैन अब मैथ्यू के पास जाकर उससे बात करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर जोआना वहां से चुपचाप चली जाती है। अब जोआना को ढूंढने के लिए मैथ्यू सैंडमैन को सुझाव देता है कि जोआना के घर का पता हमें उसके सपनों में जाकर मिल सकता है, जब वो सो रही हो। जिस आइडिया की मदद से अब जब जोआना नींद में होती है तो सैंडमैन उसके सपने में घुसकर उसके घर तक पहुंच जाता है। अब सपने में आकर सैंडमैन देखता है कि अक्सर उसके सपने में कोई जादुई चीज उसे उसका काम करने से रोकती है, और इस वजह से सपने में हमेशा किसी की जान चली जाती है, जिसकी वजह से जोआना की नींद अधूरी रह जाती है। अब जैसे ही जोआना सपने से बाहर आती है तो वो अपने घर पर सैंडमैन को देखती है, जहां सैंडमैन जोआना से कहता है कि अगर तुम मुझे मेरी रेत की पोटली वापस दे दोगी तो मैं तुम्हारे ये बुरे सपने हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसलिए अब जोआना अपने घर में रेत की पोटली को ढूंढने लगती है, जिसी दौरान सैंडमैन को उस घर में जोआना के कुछ पुराने पिक्चर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर सैंडमैन कहता है कि तुम पहले बहुत खुश रहा करती थी, जो सुनकर अचानक से जोआना को याद आ जाता है कि बहुत समय पहले वो अपनी दोस्त रेचल के घर पर रेत की पोटली भूल आई थी। इसलिए अब दोनों रेचल के घर के लिए निकल पड़ते हैं, और रास्ते में जोआना सैंडमैन को बताती कि मैं और रेचल रिलेशनशिप में थे।
इसलिए हम दोनों साथ रहा करते थे। लेकिन एक दिन मैं उसे बिना बताए उसका घर छोड़कर चली गई, क्योंकि जो भी मेरे साथ ज्यादा दिनों तक रहता था उसकी मौत हो जाती थी, जिस वजह से मैं हमेशा अकेली ही रहती हूँ। अब रेचल के घर पहुंचकर दोनों देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन रेत की पोटली उसके पास होने के कारण अब तक उसकी मौत नहीं हुई थी। सैंडमैन अब रेचल से अपनी पोटली ले लेता है और फिर जोआना के कहने पर वो रेचल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सपने में देखते हुए रेचल की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इथल डॉक्टर जॉन को खबर कर देती है कि सैंडमैन अपनी रूबी लेने के लिए वापस आ गया है और अब वो सबको बर्बाद कर देगा। पर डॉक्टर जॉन को अपनी माँ इथेल की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि बचपन से अब तक इथेल डॉक्टर जॉन से झूठ बोलती आई थी और उसने डॉक्टर जॉन से ये भी छिपाया था कि इथेल बर्गेस की गर्लफ्रेंड थी और बर्गेस ही उसका पिता है। लेकिन डॉक्टर जॉन को ये सच्चाई दूसरे लोगों से पता चल चुकी थी। डॉक्टर जॉन दरअसल अपनी माँ इथेल से बहुत प्यार करता था और वो हर हाल में इथेल को बचाना चाहता था। इथेल डॉक्टर जॉन को समझाती है कि तुम्हें सैंडमैन की रूबी उसे वापस कर देनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर जॉन ऐसा करने से मना कर देता है। इसलिए आखिरकार इथेल अपनी रक्षा मणि निकाल कर डॉक्टर जॉन को दे देती है, जिससे इथेल अब अपनी उम्र के हिसाब से बूढ़ी होने लगती है और जल्दी उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर जॉन अब उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, पर बिल्डिंग से बाहर आने के बाद डॉक्टर जॉन ठंड से कांपने लगता है और तभी कोरिंथियन वहां कर डॉक्टर जॉन को एक जैकेट देता है। डॉक्टर जॉन दरअसल कोरिंथियन के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन कोरिंथियन को डॉक्टर जॉन के बारे में सब कुछ पता था। अब अगले सीन में हम जोआना को देखते हैं जो अब काफी गिल्टी महसूस कर रही होती है, क्योंकि वो खुद को रेचल की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। लेकिन सैंडमैन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आगे वो ये भी वादा करता है कि अब से तुम्हें ये बुरे सपने परेशान नहीं करेंगे, जिसकी बात जोआना वहां से चली जाती है। वहीं अब जोआना के जाने के बाद सैंडमैन अपना हेलमेट लेने के लिए नर्क में जाने का फैसला करता है, पर मैथ्यू सैंडमैन से कहता है कि उन्हें इसके बारे में लूसिन को एक बार बता देना चाहिए। लेकिन सैंडमैन मैथ्यू की इस बात को इग्नोर करके नर्क में चला जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाती है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में सैंडमैन मैथ्यू के साथ नर्क में जाता है, जहां सबसे पहले उसकी मुलाकात नर्क के दूत से होती है, जो वहां नर्क के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा था। सैंडमैन दरअसल यहां पर बिना इजाजत के आया था, लेकिन नर्क में हर एक इंसान को मेहमान माना जाता था, इसलिए वो सैंडमैन को अंदर आने देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन का रोजमेरी नाम की महिला की कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद रोजमेरी डॉक्टर जॉन को उसके घर तक लीव देने का फैसला करती है। और अब सफर के दौरान डॉक्टर जॉन रोजमेरी को बताता है कि अभी कुछ समय पहले ही मेरी माँ की मौत हुई है, लेकिन वो एक अच्छी इंसान नहीं थी, वो दरअसल एक चोर थी और बचपन से अब तक मुझसे झूठ बोलती आई थी। जिस दौरान रोजमेरी भी अब डॉक्टर जॉन से अपनी लाइफ की बातें शेयर करने लगती है, और इसी बातचीत के दौरान रोजमेरी को पता चलता है कि अपनी माँ से रूबी लेने के बाद डॉक्टर जॉन ने कई लोगों का हत्या किया था और इसीलिए वो अब तक एक पागलखाने की बिल्डिंग में कैद है। डॉक्टर जॉन अब रोजमेरी को बताता है कि ये सारे हत्या उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किए थे, लेकिन अब रोजमेरी को डॉक्टर जॉन से डर लगने लगता है। अब अगले सीन में हम सैंडमैन को देखते हैं जिसे नर का दूध नर की रानी लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास ले जा रहा होता है। रास्ते में सैंडमैन की मुलाकात नादा नाम की एक कैदी से होती है, जहां नादा सैंडमैन से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसके जवाब में सैंडमैन कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अब तक तुम्हें माफ नहीं कर पाया हूँ, जो सुनकर नादा रोने लगती है और सैंडमैन उसे वहीं अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब मैथ्यू जब सैंडमैन से नादा के बारे में पूछता है तो सैंडमैन बताता है कि आज से 10,000 साल पहले मैं और नादा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आगे चलकर नादा स्वार्थी बन गई और उसने मुझे धोखा दिया, जिसके बाद हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अब आगे चलकर सैंडमैन की मुलाकात लूसीफर से होती है, जहां सैंडमैन लूसीफर को बताता है कि उसका हेलमेट नर्क के किसी डीमन के पास है, जिसके बाद अब लूसीफर नर्क के सभी डीमंस को इकट्ठा करती है और फिर सैंडमैन रेत की पोटली की मदद से उस डीमन का पता लगा लेता है। अब इस डीमन का नाम चोरोजोन था, जिसके पास सैंडमैन का हेलमेट है। चोरोजोन सैंडमैन से कहता है कि ये हेलमेट मैंने इथल नाम की महिला से लिया है और बदले में मैंने उसे रक्षा मणि दी है। अगर तुम्हें मुझसे ये हेलमेट चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा, और अगर तुम इस मुकाबले में हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। अब नर्क के नियम के हिसाब से मुकाबले के लिए कोई भी डीमन किसी को भी चुन सकता था, और इसीलिए चोरोजोन अपनी तरफ से लूसीफर को चुनता है, पर सैंडमैन भी इस मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है और अब वो खुद को ही चुनता है। वहीं दूसरी तरफ रोजमेरी अपनी कार को एक पेट्रोल पंप पर रोकती है और पास ही में बने ग्रोसरी शॉप में कुछ सामान लेने के बहाने चली जाती है, पर डॉक्टर
डॉक्टर जॉन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ जाता है, जहाँ अब रोजमेरी इशारे से शॉपकीपर को पुलिस को कॉल करने को कहती है, जिसके बाद शॉपकीपर पुलिस को कॉल कर देता है। पर अब जब इस बात का पता डॉक्टर जॉन को चलता है तो वो रोजमेरी को जबरदस्ती अपने साथ शॉप में लेकर जाने लगता है, जो देखकर शॉपकीपर अपनी गन निकाल लेता है और डॉक्टर जॉन को वहीं रुकने को कहता है। अब डॉक्टर जॉन जब शॉपकीपर की बात नहीं मानता तो शॉपकीपर उसे शूट कर देता है, लेकिन डॉक्टर जॉन के पास रक्षा मनी होने के कारण गोली शॉपकीपर को ही लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर जॉन रोजमेरी को शॉप से बाहर ले जाता है और जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर जॉन के घर पर चलने को कहता है। इधर नर्क में लूसिफर और सैंडमैन के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है और अब मुकाबले में दोनों को ऐसी चीजों के नाम लेने थे जो एक दूसरे पर भारी पड़े। सबसे पहले लूसिफर एक भेड़िया बन जाती है तो सैंडमैन एक शिकारी बनकर उसे हरा देता है। अगली बार लूसिफर एक जहरीला नागिन बनती है तो सैंडमैन एक बाज बनकर उसे हरा देता है। इसी तरह से फिर आखिर में लूसिफर मौत बन जाती है, जिससे सैंडमैन धीरे धीरे मरने लगता है। लेकिन अब सैंडमैन जीने की उम्मीद से मौत का सामना करता है, जिससे आखिरकार लूसिफर हार जाती है और सैंडमैन ये मुकाबला भी जीत जाता है, जिसके बाद सैंडमैन को अपना हेलमेट वापस मिल जाता है। लेकिन इसके बाद लूसिफर सैंडमैन से कहती कि तुम्हें तुम्हारा हेलमेट तो मिल गया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचकर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी शक्तियाँ नहीं है। जिस पर सैंडमैन धमकाता है कि मैं सपनों का राजा हूँ और अगर मैं चाहूँ तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे नर्क को ही तबाह कर सकता हूँ, जो कहकर सैंडमैन वहाँ से बाहर चला जाता है। और अब बाहर आकर सैंडमैन मैथ्यू को बताता है कि लूसिफर एक दिन इस लड़ाई का बदला मुझसे जरूर लेगी। अब सैंडमैन अपना हेलमेट पहन लेता है, जिसके बाद उसे अपनी रूबी दिखाई देने लगती है और फिर वो अपनी रूबी लेने के लिए न्यूयॉर्क शहर के लिए निकल जाता है। अब न्यूयॉर्क में ईथल और डॉक्टर जॉन के घर पर सैंडमैन को अपनी रूबी मिल जाती है, लेकिन इस बार उसे इस रूबी में कुछ अजीब लग रहा था। और अब जैसे ही सैंडमैन रूबी को अपने हाथ में लेता है तो उसे एक जोरदार का झटका लगता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर जॉन वहाँ आकर रूबी ले लेता है, लेकिन बाहर आकर डॉक्टर जॉन देखता है कि घबराई होने के बावजूद रोजमेरी उसके घर के बाहर अब भी उसकी मदद के लिए खड़ी थी। वो अब जब रोजमेरी से इसका कारण पूछता है तो रोजमेरी कहती है कि मैं बस जिंदा बचना चाहती हूँ, जिससे डॉक्टर जॉन खुश होकर अपनी रक्षा मनी रोजमेरी को दे देता है, जिसके साथ एपिसोड 4 यही एंड हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम सैंडमैन को देखते हैं, जो अब भी डॉक्टर जॉन के घर पर बेहोश पड़ा हुआ था और मैथ्यू उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात रेस्टोरेंट की वेटर्स बेटी से होती है। बेटी डॉक्टर जॉन से काफी अच्छी से बात करती है, जहां डॉक्टर जॉन बेटी से शेयर करता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरी रूबी वापस मिल गई है, जिसकी मदद से मैं इस पूरी दुनिया को बदल दूंगा, जिसके बाद इस दुनिया में लोग एक दूसरे से सिर्फ सच ही कहेंगे। अब इसके बाद डॉक्टर जॉन रूबी की मदद से पूरी दुनिया के लोगों और रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को मैनिपुलेट करने लगता है, जिसके कारण सभी लोग एक दूसरे को अपनी जिंदगी की ऐसी सच्चाई बताने लगते जो वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण ही सभी को एक दूसरे के डार्क सीक्रेट पता चल जाते हैं, जिससे उनमें से कुछ लोग तो एक दूसरे पर गुस्सा होकर एक दूसरे को जान से मार डालते हैं, जबकि बचे हुए लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर जॉन न्यूज में देखता है कि पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को मारने लगे और चारों तरफ आतंक का माहौल है। अब इतने में रेस्टोरेंट में सैंडमैन पहुंच जाता है और वो डॉक्टर जॉन को अपनी रूबी मांगता है, क्योंकि वो इस रूबी का गलत इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन डॉक्टर जॉन कहता है कि मैं इस रूबी का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो अब यहाँ पर सैंडमैन की बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए सैंडमैन डॉक्टर जॉन को अपनी सपनों की दुनिया में ले जाकर उसे डरावने सपने दिखाने लगता है। लेकिन डॉक्टर जॉन अपनी आप को संभालते हुए सैंडमैन को रूबी में कैद कर लेता है और अब सैंडमैन को मारने के लिए डॉक्टर जॉन रूबी को तोड़ देता है, लेकिन ऐसा करते ही सैंडमैन आजाद हो जाता है और रूबी की शक्तियां सैंडमैन में समा जाती है। इससे अब डॉक्टर जॉन के पास कोई शक्ति नहीं बची थी। दरअसल रूबी के इफेक्ट के कारण ही डॉक्टर जॉन ये सब काम कर रहा था, इसलिए सैंडमैन डॉक्टर जॉन को माफ कर देता है और उसे वापस जागती हुई दुनिया में भेज देता है। अब क्योंकि सैंडमैन को उसकी सारी चीजें वापस मिल चुकी होती है, इसलिए वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। इसके बाद हम सैंडमैन के भाई डिजायर को देखते हैं, जो अब तक सैंडमैन पर नजर रख रहा था, जिसके साथ ही एपिसोड 5
स्टोरी तो यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सैंडमैन को देखते हैं जो एक पार्क में उदास बैठा होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन डेथ उससे मिलने आती है। सैंडमैन डेथ से कहता है कि मुझे अब अपनी सारी शक्ति वापस मिल गई है, लेकिन अब भी मैं खुश नहीं हूँ और अंदर से खाली महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे कैद किया गया था तब मैंने सोचा था कि आजाद होने पर मैं सभी लोगों से बदला लूंगा, लेकिन अभी तक मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ। इस पर डेथ सैंडमैन को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें परेशान रहने के बजाय अपनी दुनिया को फिर से पहले जैसा करना चाहिए, जिसके बाद अब डेथ अपने काम पर निकल जाती है जिसके साथ सैंडमैन भी जाता है। अब डेथ एक एक करके इंसानों के मौत के बाद उन्हें लेने जाती है, जिनमें बूढ़े लोगों से लेकर जवान और बच्चे भी शामिल होते है। इस दौरान सैंडमैन डेथ को बताता है कि जिन लोगों ने मुझे कैद किया था असल में वो तुम्हें कैद करना चाहते थे, लेकिन कुछ गड़बड़ होने की वजह से मैं वहाँ कैद हो गया। इसी दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं कि डेथ और सैंडमैन एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं और फिर जाने से पहले डेथ सैंडमैन से कहती है कि हम अनंत जीवों का काम बहुत मुश्किल होता है, लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं उनके चाहने वाले लोगों को उनसे छीन कर ले जाती हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। और इसी तरह हम अनंत जीवों को अपने अपने काम पूरे करने के लिए बनाया गया है, जो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद सैंडमैन एक महल की तरफ जाने लगता है जहाँ से सीन साल 1379 में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ सैंडमैन और डेथ एक शराब खाने में बैठे हुए थे और तभी वहाँ दोनों गैडलिंग नाम के एक इंसान को देखते हैं जो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं कभी मरना नहीं चाहता और मेरे इस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं कभी नहीं मरूंगा। जो सुनकर सैंडमैन और डेथ गैडलिंग को अमर होने का वरदान दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों देखना चाहते थे कि आखिर कब तक गैडलिन अपनी जिंदगी से खुश रहता है, क्योंकि इन दोनों का मानना था कि एक दिन गैडलिन अपनी जिंदगी से परेशान होकर भगवान से मौत की भीख मांगेगा। जिस दौरान फिर सैंडमैन गैडलिंग से कहता है कि अब से हम हर 100 साल बाद यहाँ एक दूसरे से मिलेंगे और फिर तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। अब से इन 100 साल आगे साल 1479 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ 100 साल पूरे होने पर सैंडमैन और गैडलिन फिर से इसी शराब खाने में मिलते हैं, जहाँ सैंडमैन देखता है कि गैडलिन अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। वहीं अब 1579 में जब सैंडमैन गैडलिंग से मिलता है तो वो देखता है कि गैडलिन अब एक अमीर व्यापारी बन गया है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। जहाँ सैंडमैन को ये देखकर लगता है कि गैडलिन एक स्वार्थी इंसान है और इसीलिए उसे जिंदगी से काफी लगाव है। दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे से काफी बात करते हैं और फिर से 100 साल बाद एक दूसरे से यहीं पर मिलने का फैसला करते हैं। अब साल 1679 में जब दोनों उसी शराब खाने में मिलते हैं तो सैंडमैन देखता है कि गैडलिन अब एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका है, जहाँ गैडलिन ने अब शादी भी कर ली है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। और अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पास में ही बैठा एक आदमी उन दोनों की तस्वीर बना रहा होता है। अब अगली बार जब ये दोनों 1779 में एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें ढूंढते हुए जोआने की एक पूर्वज अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाती है और गैडलिन पर हमला कर देती है, और अब वो सैंडमैन से उसे भी अमर बनाने को कहती है जैसे उसने गैडलिन को अमर बनाया था। लेकिन सैंडमैन जोआना की पूर्वज को अपने काबू में कर लेता है, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है, जो देखकर सैंडलिन को समझ आ जाता है कि सैंडमैन कोई आम इंसान नहीं है और सैंडमैन ने उसे अमर बनाया है। अब साल 1879 में जब फिर से एक बार दोनों मिलते हैं तो गैडलिन सैंडमैन से कहता है कि तुम मुझसे हर 100 साल में मेरी जिंदगी के बारे में जानने के लिए नहीं मिलते हो, बल्कि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम मुझसे मिलते हो। पर गैडलिन की ये बात सुनकर सैंडमैन गुस्सा हो जाता है और फिर वो गैडलिन से कहता है कि मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, जिसके बाद सैंडमैन वहां से जाने लगता है। अब इसके जवाब में गैडलिन सैंडमैन से कहता है कि हर किसी को एक दोस्त की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं 100 साल बाद फिर से यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर अब देखते देखते कई साल बीत जाते हैं, लेकिन सैंडमैन गैडलिंग से मिलने नहीं आता क्योंकि इतने सालों तक वो बर्गेस के कैद में था। और अब इतने सालों बाद सैंडमैन गैडलिंग से मिलने जाता है, जहां गैडलिन अब भी वहां पर सैंडमैन का इंतजार कर रहा था। दोनों अब एक दूसरे को वहां देखकर बहुत खुश होते हैं और अब सैंडमैन गैडलिन को अपना दोस्त भी मान लेता है। अब अगले सीन में हम डिजायर को देखते हैं जो किसी से कह रहा होता है कि अब सैंडमैन को अपनी सारी शक्तियां वापस मिल चुकी है, लेकिन इससे हमारा प्लान बर्बाद हो गया है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में सैंडमैन रोज वॉकर नाम की किताब पढ़ रहा होता है और अगले ही सीन में हम रोज को देखते हैं जिसकी माता पिता का डिवोर्स हो चुका था, जो अब अपनी माँ के साथ न्यू जर्सी में शिफ्ट हो रही थी, जबकि उसका भाई जेड उसके पिता के साथ ही फ्लोरिडा में रहता है। इस वजह से रोज अपने छोटे भाई जेड से अलग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिजायर अपनी बहन डिस्पेयर को बताता है कि इंसानी दुनिया में एक सपनों का भंवर पाया गया है, जिसके इस्तेमाल से सपनों की दुनिया
दुनिया को खत्म किया जा सकता है। जिस पर डिस्पेयर डिजायर से कहती है कि सपनों की दुनिया को कोई खत्म नहीं कर सकता क्योंकि सैंडमैन अब हमसे सबसे ज्यादा ताकतवर है। दरअसल डिजायर सैंडमैन से नफरत करता था और डिजायर की वजह से ही मौत के बजाय सैंडमैन रॉड्रिक के जेल में फंस गया था, जो सब डिजायर का ही प्लान था क्योंकि वो सपनों की दुनिया को खत्म करना चाहता था। लेकिन सैंडमैन के आजाद हो जाने के कारण उसका ये प्लान फेल हो गया था, पर अब भी वो सपने के भंवर की मदद से सपनों की दुनिया को खत्म कर सकता था। अब अगले सीन से हमें पता चलता है कि रोज की माँ की मौत हो चुकी है, जिसके बाद रोज अपनी दोस्त लीटा के साथ रहती है। लीटा के हस्बैंड की भी अभी कुछ समय पहले ही मौत हुई थी। रोज अब अपने भाई जड को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद जड को उसके परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था और रोज को पता नहीं था कि इस वक्त वो परिवार कहाँ रह रहा है। इसलिए जड को ढूंढने के लिए रोज एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर करती है, लेकिन उसकी फीस देने के लिए रोज के पास पैसे नहीं थे। उसे अब इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी और तभी एक दिन लीटा रोज को बताती है कि इंग्लैंड में रहने वाली एक बूढ़ी औरत रोज से मिलना चाहती है और उसका इंटरव्यू लेना चाहती है, जिसके बदले में वो औरत रोज को हर दिन $250 देने के लिए तैयार है। अब क्योंकि रोज को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूसीन जब सपनों की दुनिया में जादुई जीवों का इंस्पेक्शन कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि कोरिंथिन के साथ साथ दो और जादुई जीव नाइटमेयर गोल्ड और फेडलेस ग्रीन सपनों की दुनिया में भाग गए। साथ ही लूसीन को एबेल से पता चलता है कि इंसानी दुनिया में एक सपनों का भंवर बन गया है और वो सपनों का भंवर असल में रोज है। अब लूसीन जब सैंडमैन को इस बारे में बताती है तो सैंडमैन लूसीन से कहता है कि सपनों के भंवर की वजह से पूरी सपनों की दुनिया बर्बाद हो सकती है, इसलिए अब सैंडमैन मैथ्यू को रोज पर नजर रखने को कहता है। इधर इंग्लैंड में रोज जब लीटा के साथ इंग्लैंड जाकर उसी बूढ़ी औरत से मिलता है तो हमें पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत दरअसल यूनिटी नाम की वही लड़की थी जिसे हमेशा नींद में रहने की बीमारी हो गई थी जब सैंडमैन को कैद किया गया था। यूनिटी यहाँ रोज को बताती है कि पिछले कई सालों से मैं गहरी नींद में चली गई थी और मैं सपनों की दुनिया में जीने लगी थी, जहाँ मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन नींद से जागने पर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया जो तुम्हारी नानी थी, जिसे बाद में किसी परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था और इस हिसाब से मैं तुम्हारी पर नानी हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीरियल किलर्स का एक ग्रुप एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने एक समारोह के बारे में बात कर रहे थे, जो सभी सीरियल किलर्स कोरिएंथन के बहुत बड़े फैन थे और चाहते थे कि उनके इस समारोह में कोरिएंथन भी आए, इसलिए वो उस रेस्टोरेंट में मौजूद एक वेटर को मारकर उसकी आंखें निकाल लेते हैं, जैसा कि कोरिएंथन लोगों को मारने के बाद करता है। दरअसल ये सब वो कोरिएंथन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं, जिसके बाद कोरिएंथन को न्यूज के जरिए इस बात का पता भी चल जाता है। वहीं इधर त्रिदेविया रोज के पास आती है, जो रोज को चेतावनी देते हुए बताते हैं कि तुम एक सपनों का भंवर हो, इसलिए तुम्हें कोरिएंथन और सैंडमैन से खतरा है, जो इतना कहकर त्रिवेदिया वहां से गायब हो जाती है। पर रोज को त्रिदेवियों की बात का मतलब समझ नहीं आता और अब कुछ देर बाद यूनिटी रोज को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मुझे अब तुम्हारे भाई जेड से मिलना है, इसलिए यूनिटी रोज को कुछ पैसे देकर जेड को ढूंढने को कहती है और रोज भी इसके लिए मान जाती है। और फिर रोज जेड को ढूंढने के लिए लीटा के साथ फ्लोरिडा शहर चली जाती है और वहां जाकर वो एडॉप्शन डिपार्टमेंट की एक लेडी ऑफिसर से जेड के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर वो लेडी ऑफिसर रोज को बताती है कि रोज के पिता की मौत के बाद जेड को रोज के पिता की एक दोस्त की फैमिली ने गोद लिया है और तब से उनके साथ ही रह रहा है, जिसके बदले में उन लोगों को हर महीने जेड की परवरिश के लिए सरकार से पैसे मिलते हैं। लेकिन लेडी ऑफिसर यहाँ रोज को जेड का एड्रेस बताने से मना कर देती है क्योंकि अभी रोज की उम्र बहुत कम थी और वो जेड की देखभाल इस उम्र में अकेले नहीं कर सकती थी। अब इसके बाद रात को जब रोज एक पार्टी में होती है तो कुछ गुंडे रोज पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद रोज भी उन गुंडों से लड़ने लगती है। तभी गिलबर्ट नाम का एक बूढ़ा आदमी भी वहां आकर रोज की मदद करता है और अब मैथ्यू जब ये सारी जानकारी जाकर लूसीन को बताता है कि रोज फ्लोरिडा में अपने भाई जेड को ढूंढ रही है तो लूसीन सपनों की डायरी देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सपनों की दुनिया और असली दुनिया से ही गायब है। अब अगले सीन में हम फिर से उसी सीरियल किलर्स के ग्रुप को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और तभी कोरिएंथन वहां उनसे मिलने आता है। अब कोरिएंथन को देखकर वो सभी उसे अपने होने वाले समारोह में आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस इनविटेशन को कोरिएंथन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो ही समारोह में अपने साथ एक मेहमान को लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ रात के समय रोज सपना देखते देखते सैंडमैन के महल में पहुंच जाती है, जहां लूसीन सैंडमैन से जड़ के बारे में बात कर रही थी। अब ये सब सुनकर रोज लूसीन से अपने भाई जड़ के बारे में पूछने लगती है और तभी अगले सीन में हम जड़ को देखते हैं जो अपने पिता के दोस्त से बचकर भाग रहा होता है।
जाता है, लेकिन उसके पिता का दोस्त रास्ते में इजर्ड को पकड़ लेता है और उसे अपनी कार में बिठाकर ले जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड 7 यही एंड हो जाती है। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में जब रोज सैंडमैन से सवाल करती है कि वो इस वक्त कहाँ है, तो सैंडमैन जवाब देता है कि वो इस वक्त सपनों की दुनिया में है और वो एक सपनों का भंवर है जिसकी मदद से वो सपनों की दुनिया में कहीं भी आ जा सकती है। इसके बाद सैंडमैन रोज से कहता है कि असली दुनिया में मैथ्यू एड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा, और साथ ही जेड को एक नाइटमेयर गोल्ट ने अपने काबू में कर रखा है। अब अगले सीन में हम गोल्ट को देखते हैं जो जेड के सपने में उसकी माँ के रूप में होती है, और सपने में वो जेड को सुपर हीरो बनाकर लोगों को बचाने का सपना दिखा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जब रोज असली दुनिया में आती है तो वो मैथ्यू को देखती है जो उसके घर की खिड़की पर बैठा होता है। दूसरी तरफ जब रोज की दोस्त लिटा सो रही होती है तब सपनों की दुनिया में उसकी मुलाकात उसके मरे हुए पति से होती है, और सपनों की दुनिया में वो दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। अब लिटा की नींद से जागने पर रोज और लिटा जेड को ढूंढने और उसके मिसिंग पोस्टर लगाने के लिए अपने फ्लोरिडा के मकान मालिक के साथ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुसिन सैंडमैन को बताती है कि जिस दिन आपको कैद किया गया था उस दिन कई लोग स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का शिकार होकर गहरी नींद में चले गए थे, जिन लोगों में से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बच पाई है जिसका नाम यूनिटी है। जिस दिन आप अपने कैद से आजाद हुए उसी दिन यूनिटी भी अपनी नींद से जाग गई। साथ ही लुसिन सैंडमैन को ये भी बताती है कि यूनिटी रोज और जेड की ग्रेट ग्रैंड मदर है। अब अगले सीन में हम कोरिंथियन को देखते हैं जो रोज को ढूंढते हुए फ्लोरिडा पहुंच जाता है, जहां वो रोज को सैंडमैन के दूध मैथ्यू के साथ देखकर घबरा जाता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है। इसी बीच कोरिंथियन रोज के मकान मालिक से टकरा जाता है, और अब मकान मालिक से उसे पता चलता है कि रोज अपने भाई जेड को ढूंढ रही है, जिसके बाद रात को कोरिंथियन लेडी ऑफिसर के पास जाता है और उसे मारकर उसकी आंखें निकाल लेता है, और फिर वो वहां रखी जेड की फाइल में से उसके घर का एड्रेस पता कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रात के समय रोज सपनों की दुनिया में जेड को ढूंढने लगती है, और तभी वहां उसकी मुलाकात सैंडमैन से होती है, और अब वो दोनों भी सपनों की दुनिया में रोज और जेड के पुराने घर पर पहुंचते है। अब थोड़ी देर वहां जेड भी आ जाता है जो सपने में एक सुपर हीरो बना हुआ था। गोल्ड भी उसकी माँ के रूप में उसके साथ होती है, जो देख कर सैंडमैन सबके सामने गोल्ड का असली रूप लाता है, जिसकी बात जेड रोज को पहचान लेता है। अब इसके बाद जेड रोज को बताता है कि वो न्यूलैंड शहर में अपने पिता के दोस्त के साथ रहता है, जितने में ही जेड का सपना खत्म हो जाता है, और अब जागने पर वो रोज का नाम लिखकर चिल्लाने लगता है, जो देखकर जेड के पिता का दोस्त जेड को मारने के लिए अपनी बेल्ट निकालता है, जितने में ही उनके घर पर कोरिंथियन आकर घर की डोरबेल बजाता है। अब जब जेड के पिता का दोस्त दरवाजा खोलता है तो अंदर आकर कोरिंथियन उसे जान से ही मार देता है, और फिर वो बेसमेंट में छुपे हुए जेड के पास जाता है और जेड से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन रोज ने भेजा है, जो सुनकर जेड बहुत खुश हो जाता है, और फिर कोरिंथियन जेड को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सपनों की दुनिया में गोल्ड सैंडमैन से कहती है कि जेड को उसके परिवार वाले काफी टॉर्चर किया करते थे, इसलिए मैं जेड के सपने में आकर उसे खुश करने की कोशिश किया करती थी। दरअसल नाइटमेयर्स का काम लोगों को उनके सपनों में डराना होता है, लेकिन गोल्ड अपना काम सही से नहीं कर रही थी, इसलिए गुस्से में सैंडमैन गोल्ड को सपनों की दुनिया में कैद कर देता है। अब एपिसोड के आखिरी सीन में हम लिटा को देखते हैं जो अपने सपने में प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब वो अपनी नींद से जागती है तो वो सच में प्रेग्नेंट निकलती है, जिसके बाद हम रोज को देखते हैं जो जेड को न्यूलैंड्स में ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि जेड को जिस परिवार ने गोद लिया था उनका किसी ने हत्या कर दिया और जेड घर से गायब है। जिसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 8 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में लिटा रोज को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रोज लिटा से कहती है कि इन सबकी जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं एक सपनों का भंवर हूँ और मेरी जैसे लोगों के सपने अब सच होने लगी है, और अब सपनों और असली दुनिया के बीच की दीवार टूटने लगी है। मैथ्यू अब इन दोनों की बातों को सुन लेता है और जाकर लुसिन को इस बारे में बता देता है, लेकिन लुसिन मैथ्यू को इस बारे में सैंडमैन को बताने को कहती है, क्योंकि सैंडमैन ने उसे अपने सपनों की दुनिया में कामों में दखल देने से मना किया था, जबकि इतने सालों तक जब सैंडमैन कैद में था तब लुसिन ही सपनों की दुनिया को संभाल रही थी। अब अगले सीन में हम जेड को देखते हैं जो कोरिंथियन के साथ रॉयल एम्पायर होटल में होता है, जहां कोरिंथियन रोज को कॉल के बताता है कि जेड उसके पास है, और फिर कोरिंथियन रोज को मिलने के लिए रॉयल एम्पायर होटल बुलाता है, जिसकी बात कोरिंथियन जेड को होटल के अंदर ले जाता है जहां आज रात सीरियल किलर्स का समारोह होने वाला है। अब अगले सीन में हम गिलबर्ट को देखते हैं जो रोज से मिलने जाता है, जहां रोज गिलबर्ट को जेड के बारे में सारी बात बताता है, जिसकी बात वो दोनों जेड को लेने के लिए रॉयल एम्पायर होटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लिटा अपने पति के साथ सपनों की दुनिया में होती है तो अचानक से ही वहां पर भूकंप आने लगता है, और अब जब सैंडमैन को इस भूकंप के बारे में पता चलता है तो वो लुसिन से इस बारे में पूछता है, जिस पर लुसिन उसे बताती है कि ये भूकंप सपनों के भंवर रोज की वजह से आ रहा है।
रहा है और अगर इसे नहीं रोका गया तो सपनों की दुनिया तबाह हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ होटल में सीरियल किलर्स का समारोह शुरू हो जाता है। जिसकी बात कोरिंथिन जेड को अपने रूम में ही रहने को कहता है और वो खुद समारोह में चला जाता है। पर जेड भी चुपचाप कोरिंथिन का पीछा करता है और छुप कर इस समारोह को देखने लगता है। इधर रॉयल एम्पायर होटल जाते वक्त रोज को रास्ते में नींद आ जाती है, जिसके बाद वो सपनों की दुनिया में जाकर लेटा से मिलती है। लेटा अब यहाँ रोज को बताती है कि उसकी प्रेगनेंसी को अब कई महीने बीत चुके हैं, जबकि असली दुनिया में उसे प्रेग्नेंट हुए अभी कुछ घंटे ही हुए थे। वो अपने सपनों की दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन तभी वहाँ पर सैंडमैन आ जाता है जो लेटा को समझाता है कि उसका पति अब मर चुका है और अगर तुम दोनों ज्यादा देर तक इसी तरह के सपनों की दुनिया में रहे तो जल्दी ही तुम दोनों की मौत हो जाएगी और फिर ये सपनों की दुनिया भी तबाह हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अब असली दुनिया में जाना चाहिए और तुम्हारे पति को आत्माओं की दुनिया में जाना चाहिए। जो इतना कहकर सैंडमैन लिटा के पति को वहां से गायब कर देता है। साथ ही सैंडमैन लिटा को बताता है कि तुम्हारा बच्चा सपनों की दुनिया में पैदा हुआ है, इसलिए इस पर तुम्हारा हक नहीं है, इसलिए तुमसे कभी भी छीन सकता है। जो इतना कहकर सैंडमैन लिटा को नींद से जगा देता है, जिसकी बात सैंडमैन और रोज सैंडमैन के महल में जाते हैं, जहाँ रोज सैंडमैन से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने लिटा से उसके पति को अलग कर दिया था। और फिर रोज सैंडमैन को अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने की धमकी देकर सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। अब इसके कुछ देर बाद ही रोज और गिलबर्ट होटल पहुंचकर जेड को ढूंढने लगते हैं और सीरियल किलर्स की फेक आईडी कार्ड लगाकर समारोह में पहुंच जाते हैं। जहां गिलबर्ट जब कुछ सीरियल किलर्स की बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग आम इंसानों का कत्ल किया करते थे क्योंकि उनका मानना था कि भगवान उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद जब गिलबर्ट कोरिंथिन को वहां देखता है तो वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। जिसकी बात जब कोरिंथिन और कुछ सीरियल किलर जब होटल में एक आम इंसान का खून कर रहे होते हैं तब जेड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। अब इस इवेंट का रिसेप्शनिस्ट छोटे बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जेड को बचाने के लिए उसे अपने कमरे में छिपा देता है। वहीं सपनों की दुनिया में सैंडमैन को एहसास हो जाता है कि लूसीन भी सपनों की दुनिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो लूसीन से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। और इतने में हम वहां पर गिलबर्ट को देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि गिलबर्ट असल में फिडलर्स ग्रीन है जो सपनों की दुनिया से भाग गया है। गिलबर्ट अब यहाँ पर सैंडमैन को बताता है कि कोरिंथिन इतने सालों से असली दुनिया में कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें सीरियल किलर्स बना रहा है। साथ ही कोरिंथिन ने रोज को ढूंढ लिया है जो अब उसका गलत इस्तेमाल करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ होटल में हम रोज को देखते हैं जो वहां जेड को ढूंढ लेती है, लेकिन होटल के रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि रोज जेड को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब रोज जेड को लेकर वहां से भागने लगती है तो वो रोज को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कोरिंथिन मिलता है जो रिसेप्शनिस्ट को जान से मार देता है। जिसके साथ एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस सीरीज की आखिरी 10th एपिसोड की शुरुआत में कोरिंथिन रोज से कहता है कि सैंडमैन तुम्हें जान से मारना चाहता है क्योंकि तुम एक सपनों का भंवर हो। आगे वो ये भी दावा करता है कि तुम्हें सपनों की दुनिया और असली दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ना होगा, जिसके बाद तुम सैंडमैन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। अब यहाँ रोज को पता था कि कोरिंथिन एक बुरा सपना है, लेकिन उसे कोरिंथिन पर सैंडमैन से ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो कोरिंथिन की बात मानकर जेड के साथ होटल में ही रुकने का फैसला करती है। जिसके बाद अब कोरिंथिन समारोह में जाकर अपना भाषण देने लगता है और ठीक तभी वहां पर सैंडमैन आ जाता है जो कोरिंथिन को खत्म करने लगता है। लेकिन जब कोरिंथिन सैंडमैन के हाथ पर चाकू से वार करता है तो सैंडमैन को इससे सच में चोट लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोज सपनों और असली दुनिया की दीवारों को एक एक करके खत्म कर रही थी, जिससे सैंडमैन कमजोर पड़ रहा था। सैंडमैन अब रोज के पास आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि सपनों को असली दुनिया से जोड़ने की वजह से कई लोग मारे जाएंगे। रोज को अब सैंडमैन की बातों का मतलब समझ आ जाता है, इसलिए अब वो फिर से सपनों और असली दुनिया की बीच की दीवार बनाने लगती है, जिससे सैंडमैन फिर से पहले जितना ताकतवर बन जाता है, जिसकी मदद से ही वो कोरिंथिन को आसानी से खत्म कर देता है। अब इसके बाद सैंडमैन समारोह में मौजूद लोगों को एहसास दिलवाता है कि वो सब एक मॉन्स्टर जैसे बन गए क्योंकि उन्होंने कई मासूम लोगों को मारा है। जब समारोह के लोगों को भी इस बात का एहसास होता है तो वो इस समारोह से बाहर निकल जाते हैं और अब बाहर निकलकर कुछ लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जबकि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद रोज जेड को लेकर वहां से निकल जाती है और बाहर आकर जब रोज लिटा से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जल्दी लिटा की डिलीवरी होने वाली है। अब यहाँ रोज को पता था कि अब वो जैसे ही सोने जाएगी तो सपनों की दुनिया में सैंडमैन उसे खत्म कर देगा, इसलिए वो यूनिटी को कॉल करके उसे जेड का ख्याल रखने को कहती है। यूनिटी भी अब जेड का ख्याल रखने के लिए मान जाती है, जिसके बाद रोज लिटा से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे इस बारे में बताती है, जिस पर लिटा रोज से कहती है कि तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए सैंडमैन को खत्म करना होगा। जिसके बाद अब रोज सो जाती है और
सपनों की दुनिया में जाकर सैंडमैन को कमजोर करने के लिए सभी के सपने सच करने लगती है। लेकिन ऐसा करने से वहाँ एक भयानक तूफान पैदा हो जाता है जो देखते देखते रोज के दोस्तों और जेड को निगल लेता है। अब इसके बाद रोज की मुलाकात सैंडमैन से होती है, जहाँ सैंडमैन रोज से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी दोस्त और जेड की जान बचानी है तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ यूनिटी सपनों की दुनिया में घूमते घूमते लूसिन के लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहाँ लूसिन यूनिटी को बताती है कि यहाँ पर हर तरह की किताब है। जिसके बाद अब यूनिटी इस लाइब्रेरी में रखी अपनी जिंदगी की किताब पढ़ने लगती है। इधर सैंडमैन जब रोज को खत्म करने वाला होता है तो गिलबर्ट बीच में आ जाता है और वो सैंडमैन से कहता है कि रोज के बदले मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। लेकिन सैंडमैन उसे समझाता है कि दुनिया को बचाने के लिए हम भंवर के बदले किसी और को नहीं मार सकते। जिस बात को गिलबर्ट समझ जाता है और अब वो रोज के सामने अपने असली रूप में आता है और कहता है कि मरने के बाद मैं सपनों की दुनिया में तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद रोज भी मरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर यूनिटी और लूसिन आ जाती है। यहाँ यूनिटी सैंडमैन से कहती है कि असल में सपनों का भंवर मैं हूँ, लेकिन जब आपको कैद कर लिया गया तब मैं ही गहरी नींद में चली गई और इसी वजह से मेरी शक्तियाँ रोज को मिल गई, जिससे वो ही सपनों का भंवर बन गई। अब इसके बाद यूनिटी रोज से उसकी शक्तियाँ ले लेती है, जिससे यूनिटी अब सपनों का भंवर बन जाती है। जिसके बाद रोज वापस असली दुनिया में पहुंच जाती है, जिसके बाद अब सैंडमैन यूनिटी को खत्म करने लगता है। अब मरने से पहले यूनिटी सैंडमैन को बताती है कि जब मैं गहरी नींद में थी तब सपनों की दुनिया में मेरी मुलाकात सुनहरे आंखों वाले लड़के से हुई थी, जिसने मुझे बाद में प्रेग्नेंट किया। यूनिटी की अब इस बातों से सैंडमैन को पता चल जाता है कि वो उसके भाई डिजायर की बात कर रही है। वहीं असली दुनिया में आकर रोज देखती है कि लीटा ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो दोनों इस बात से बहुत खुश है। दूसरी तरफ सैंडमैन डिजायर से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि आगे से वो उसके रास्ते में ना आए। जिसके बाद अपनी दुनिया में लौटकर सैंडमैन सपनों की दुनिया को एक नया रूप देना शुरू करता है और गॉड की इच्छा के अनुसार वो उसे एक अच्छा सपना बना देता है। और अब सैंडमैन लूसिन को सपनों की दुनिया में संभालने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि अब वो कई सालों तक नए सपने बनाने में बिजी रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लेटा अपने बच्चे के साथ खुश है और रोज अपने बारे में किताब भी लिख रही है, जिसमें वो सपनों के भंवर के बारे में भी लिखती है। अब सीरीज के आखिरी सीन में हम लूसिफर को देखते हैं, जो सैंडमैन से बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ सपनों की दुनिया और असली दुनिया पर हमला करने की तैयारी कर रही होती है। जीसी सस्पेंस के साथ ये पहला सीजन यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है और अगर आपको इसका अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।